ओम शांति। आज 19 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे कि बच्चे, तुम जब किसी शरीर को भी याद करते हो तो उसको भी भूत अभिमानी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर बना है पंचभूतों से। तो तुम्हें भूत अभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी बनना है, स्वयं को निराकारी अशरीरी आत्मा समझो और निराकार या विदेही बाप को याद करना है। बाप ही इस समय आकर के इस दुनिया के अंदर सर्वोत्तम कार्य करते हैं, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का और सदा सुखी करने का। इसलिए बाबा कहे, बाबा का यादगार भी बहुत ऊंचे ते ऊंचा है। हमेशा शिव बाबा के मंदिर ऊंचे पहाड़ों पर ही बनाया जाता है, ऊंचाई पर। भले मंदिर के अंदर शिव की प्रतिमा लिंग गर्भ में होता है, भूगर्भ में होता है, परंतु ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर पंचभूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं, यादगार मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। हम बाबा कहे, मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता, दुख के समय कह देते, हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा।
अपना अनुभव से बाबा सुनाते हैं। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो यह गोया पांच तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको पांच भूत कहा जाता है, जिसको पांच भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है, बाबा कहे वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को तो जो याद करते हैं वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले पांच भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है, अपने को भी पांच तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं का संबंध पहले पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परमपिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। यह तो बाप ने खुद समझाया है, मैं परम आत्मा हूं जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम है और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है, मनुष्य का तो एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है। शुरू शुरू में बहुत अव्यक्ति नाम आए थे जिससे पुराना सब भूल जाए। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो तो यह है मर्जीवा जन्म। तो जरूर मात पिता पास जन्म लिया जाता है। यह गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो। बाबा कहे तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परंतु परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे नहीं कहेंगे।
शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने कारण उनका कदर नहीं, शिव बाबा का कदर नहीं। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मति मनुष्य समझते नहीं है। परमात्मा का यादगार है, शिव के मंदिर बहुत है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब है बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, चंद्रमा के नजदीक एक सितारा बहुत तीखा दिखाई देता है, वैसे यहां भी नंबर वार है। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात। जैसे वह पानी की नदियां, और यह है ज्ञान की नदियां जो ज्ञान सागर से निकली है। अब शिव जयंती मनाते हैं, पुनः बाबा शिव जयंती पर ले आते हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्राय लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। ये ठीक कहते हैं, दावा कहे वो ठीक कहते हैं, बाप भी कहते हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबर वार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही है। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं,
तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीता राम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण जितने पुरुषोत्तम वह नहीं है। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है? पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, ये बाप समझाते हैं। जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही है धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, जब तक अंग्रेज आए तब तक भी बाबा कहे धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं, ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है, डूबोने वाले अनेक है, सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहां क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहां क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं, विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बूत बनाते हैं, रावण का कितना बड़ा बूत बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। शिव बाबा छोटी बिंदी है, यह तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते हैं मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है, जैसे आत्मा छोटी है वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूं। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, वह है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गन्स लेवे, जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गन से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूं। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगमयुगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म,
और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म तीनों का स्थापक एक ही परम पिता परमात्मा है। शिव बाबा आकर संगम युग में तीन धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवान वाच है, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं है, यह है शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा। करेक्ट करते बाबा, यह है शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्र को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हैं वह क्षत्रिय बन जाते हैं। दो कला कम हो जाती है, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। क्यों ब्रह्मा विष्णु शंकर को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे? क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनते हैं उनको कनिष्ठ भी बनना पड़ता है, तो वो कनिष्ठ नहीं बनते हैं। मनुष्य में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है, फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। फिर बाबा कहे, तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। यह तो मनाते ही रहेंगे, स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं, श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे, तो जयंती क्या मनाए। यह तो होकर गए हैं तब मनाते हैं, वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहां तो सदैव खुशियां है ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहां होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे, वहां के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है, पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा, सतयुग त्रेता युग के भी अपने कायदे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में, शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा
हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। आज का स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूरत बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूरत बनना है। ओम शांति।